work till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is attached. Hello, welcome to IMS. हमने last video में हमने वहाँ पे clay mineralogy पढ़ी थी. आज हम start करेंगे हमारा new topic है वो है stress in soil. अब सॉइल स्ट्रेस इन सॉइल का मतलब होता है कि जो अपने कोई एक सॉइल एलिमेंट हो गया है, कुछ भी हो गया, उसके ऊपर सॉइल का वजन या फिर स्ट्रक्चर का वजन या फाउंडेशन के वजन की वजह से जो सॉइल के ऊपर जो स्ट्रेस आता है वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे. इसमें तीन टाइप के बनते हैं, एक तो टोटल स्ट्रेस होता है, एक इफेक्टिव स्ट्रेस होता है और एक पोर वाटर प्रेशर होता है ना. ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिक ऊपर की चीज़ें. फिर उसके बाद अपन इसका गहराई में जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल बनते हैं अच्छे से और इसमें बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं, करने लायक न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, मज़ा आता है करने में भी, अच्छा लगता है वो कम न्यूमेरिकल. तो हम स्टार्ट करते हैं टोटल स्ट्रेस. अब टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, सपोजिटली कि यहाँ पे एक एलिमेंट हमारा एक ही है ना, ये एक एलिमेंट, इसको हमने एक एलिमेंट मान लिया. ये एक एलिमेंट इस ग्राउंड लेवल की जो GL है हमारा, ये ग्राउंड लेवल के इतना नीचे है, H हाइट या फिर Z बोलो या फिर H हाइट में वो अपने यहाँ पे इतना नीचे वो है ना. तो इस हाइट पे जितनी, इसके ऊपर जितनी भी मिट्टी है उसका वेट इसके ऊपर जो लग रहा है ना, वो जो लग रहा है ना इसका वेट, वो अपना इसके उससे जो इस पर स्ट्रेस पैदा हो रहा है, जो इस एलिमेंट में जो स्ट्रेस हो रहा है उससे हम कहते हैं टोटल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा कहते हैं. ठीक है, सिग्मा उसको कहते हैं टोटल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा में कहते हैं. और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द सॉइल अबव द सॉइल एलिमेंट फ्रॉम डिस्टेंस जेड या एच मान लो इसको. ठीक है भाई, एच भी लगा सकते हो अगर जेड में दिक्कत है, तो एच में सपोज ये हाइट अपनी इस डेप्थ पे वो है. ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये ए जो है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका सरफेस का, और ये इसका यूनिट वेट है सॉइल का यूनिट वेट. ठीक हो, तो सॉइल का यूनिट वेट, जेड इसकी डेप्थ हो गई, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया. तो टोटल वेट क्या होगा, टोटल वेट होगा जेड इंटू का एच इंटू का ए, यूनिट वेट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम. ये वॉल्यूम लगा लो एक तरह से, वॉल्यूम कौन सी, इससे लेके इस सरफेस से लेके इस तक की जितनी वो हाइट है ना वो वॉल्यूम लगा लो, ये अपना टोटल वेट हो गया. ये टोटल वेट है सिर्फ, अपने को स्ट्रेस निकाल. तो स्ट्रेस के लिए वेट अपने को पता भी, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है अपना स्ट्रेस होता है वेट अपॉन में एरिया होता है अपना स्ट्रेस. ठीक है, तो अपन यहाँ पे प्रेशर अपॉन में एरिया बोलता है, वेट अपॉन में एरिया बात एक ही है. ठीक है, तो स्ट्रेस अपन क्या निकले, वेट अपॉन में एरिया है, तो अपना वेट यहाँ पे निकल गया, तो अपन ने वेट को यहाँ पे पुट किया, तो सिग्मा एच ए अपॉन में एरिया अपॉन में एरिया, जो एरिया आ गया तो हमने इसको दोनों कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, सिग्मा इज इक्वल टू गामा एच यहाँ पे है ना. तो ये इज इक्वल, ये अपना यहाँ पे आ गया. तो ये जो अपना होता है इसको कहते हैं हम टोटल यहाँ पे टोटल स्ट्रेस कहते हैं, टोटल स्ट्रेस कहते हैं इसे. कि भाई टोटल स्ट्रेस का मतलब क्या, भाई जो ये एक सॉइल एलिमेंट हमने जो सपोज किया है, इसके ऊपर की जितनी भी सॉइल है उस सॉइल के वेट की वजह से इसके ऊपर जो स्ट्रेस बन रहा है उसे हम कहते हैं टोटल स्ट्रेस. अब इसके अलावा दो चीज़ें हम और पढ़ेंगे, वो है हमारा एक तो है पोर वाटर प्रेशर और फिर इफेक्टिव स्ट्रेस. अब पोर वाटर प्रेशर में क्या मतलब होता है, पोर वाटर प्रेशर का एक सिंपल तरीका पढ़ने का ऐसा है कि ये मान लीजिए ये अपना है ना एक सॉइल है ना, ये सॉइल है और ये सॉइल के बीच में वाटर है. ठीक है, तो अगर अपने FM अपने को याद आ रही है तो FM में एक ऐसा एक प्रॉपर्टी होती थी कि भाई अपना जो ये सॉइल है, ये जो अपना ये वॉइड्स के बीच में वाटर है ये है ना, ये जो सॉइल के है ना ये ग्रेन्स है, सॉइल के पार्टिकल्स ग्रेन्स है ना. ये जो सॉइल है, ये जो वाटर है इनके बीच में, जो वॉइड्स की वजह से वाटर प्रेजेंट है, वो वाटर इन सबको इक्वली यहाँ पे फोर्स लगाएगा है ना. जो ये फोर्स लगा रहा है ना, ये फोर्स, इस फोर्स को कहते हैं पोर वाटर प्रेशर. क्यों पोर वाटर, क्यों पोर मतलब वॉइड, वाटर मतलब इनके अंदर वाटर है, और उन पोर के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसकी वजह से जो प्रेशर लग रहा है इन सब ग्रेन्स के ऊपर वो अपना पोर वाटर प्रेशर होता है. ठीक है, इसको करने के लिए अपने पास एक ऐसे मेथड होता है, मेथड क्या मतलब ऐसा तरीका होता है कि भाई अपने एक फाउंडेशन के अंदर अपने को निकालना होना, तो एक सॉइल का अपना सैंपल होता है. इन सॉइल के सैंपल में बीच बीच में है ना, यहाँ तक यहाँ पे इसका वो वाटर लेवल है, केस यहाँ पे इसका पानी आ रहा है. ठीक है, और ये इसका ग्राउंड लेवल है, तो मतलब पूरा पानी से अच्छे से सैचुरेटेड है ये, मतलब इसके पोर्स के अंदर पानी भरा हुआ है ना. तो ये पानी की यहाँ पे तो बहुत सारे पोर्स हैं, यहाँ पे मैं एक सिंगल पोर का बताया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होंगे, वो एक दूसरे को यहाँ प्रेशर देंगे है ना. वो जो प्रेशर देंगे ना वो अपना पोर वाटर प्रेशर हो गया इस पूरी चीज़ के लिए है ना. उसका अपना यू बोलते हैं, म्यू बोलते हैं ना, पोर वाटर प्रेशर को म्यू बोलते हैं. म्यू इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू एच. गामा डब्ल्यू क्या होता है अपना यूनिट वाटर ऑफ यू हो गया, यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है. एच अपनी हाइट, किस हाइट पे अपने को निकालना है, अपने को न्यूमेरिकल में किस हाइट पे दे रखा हो वो अपने हाइट में निकालना है. ठीक है, अपना लास्ट बनता है इफेक्टिव स्ट्रेस.
अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इस पर तरजागी तरजागी ने ऐसा कहा है कि अपना जो सॉइल एलिमेंट है ना, ये जो सॉइल एलिमेंट है, ये सॉइल एलिमेंट का टोटल प्रेशर नीचे की साइड, और फिर इसको अपोज करने के लिए जो पोर वाटर प्रेशर है जो अपोजिट दे आएगा वो है ना, इन दोनों का जो अपने रिजल्टेंट आएगा, इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो अपना होगा यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस। रिजल्टेंट का मतलब हो गया जो सिग्मा डैश है, इसको होगा सिग्मा माइनस का म्यू, इसमें जो बचेगा वो रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट जो होगा वो अपना होगा इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं, इससे अपन इसको शो करते हैं, ये तरजागी का कहना है। ठीक है, ये अपना होता है प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट एयर ऑफ द सॉइल सॉलिड्स। इसमें क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ना, जितना भी प्रेशर यहाँ बन रहा है ना, ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस, जितना भी प्रेशर बन रहा है, ये रिजल्टेंट जितना भी आ रहा है, वो रिजल्टेंट जो होगा वो इस जो ये पार्टिकल्स हो गए, ये एक दूसरे कॉन्टैक्ट के जरिए यहाँ पे पास होते जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ये कहना चाहता है कि कॉन्टैक्ट के जरिए यहाँ पे जो अपना प्रेशर है जो ट्रांसमिटेड होता जाता है वो होता है अपना इफेक्टिव स्ट्रेस। तो यहाँ पे अपना इफेक्टिव स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस इन सॉइल का जो ऊपर ही अपन ने तीन चीज़ें मेन चीज़ें पढ़ी है, जिसके ऊपर पूरा अपना वहाँ पे क्या है, स्ट्रेस इन सॉइल का अपने पास न्यूमेरिकल्स बनते आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपन इसके यहाँ पे तीन केस बनते हैं हर एक चीज़ के, मतलब जैसे कि तीन केस कैसे बनते हैं भाई, यहाँ पे कि कितना पानी से भरा है, कैपिलरिटी एक्शन आ रहा है, कैसा कैसा एक्शन है, वो अपन सारा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।